বেঙ্গালুরু ছেলের চিকিৎসা করিয়ে বাড়ি ফিরে দেখেন পরিবারের সদস্যদের অনুপস্থিতিতে দুষ্কৃতীরা বাড়ির মূল্যবান সামগ্রী চুরি করে চম্পট দিয়েছে। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের জামুরিয়া থানার বোরিংডাঙ্গা গ্রামে। বাড়ির সদস্য সরোজ কুমার সিং জানান, 30 সেপ্টেম্বর ছেলের চিকিৎসার জন্য বেঙ্গালোর গিয়েছিলেন। মঙ্গলবার সকালে বাড়ি ফিরে দেখেন বাড়ির সমস্ত জিনিস লণ্ডভণ্ড। তার অভিযোগ, দুষ্কৃতীরা প্রায় 80 থেকে 90 হাজার নগদ টাকা নিয়ে চম্পট দিয়েছে। এ ব্যাপারে তিনি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। आज 11 तारीख को सुबह है 3:15 बजे देख रहे हैं, दुकान का सब सामान बिक रहा है, घर का सब ताला वाला तोड़ा हुआ है, पीछे का ताला तोड़ा हुआ है, कैश कुछ नहीं है। कैश सब सामान मिला के मोटा मोटा 1.5 लाख आज तक गया है। अभी चेक किया नहीं सब अच्छा से, आगे तो सब सफाई कर रहे हैं हम सुबह से। चेक करेंगे तो कुछ मालूम और पड़ेगा। सर पुलिस को जानकारी दी? हाँ जी, सुबह 3:15 बजे संग संग ही है, 4:45 बजे तक पुलिस आया, देख दाख सब किए हैं, बोले ठीक है, देख रहे क्या किया जा सकता है। तो नजदीक में ही 200 मीटर दूरी में ही यहाँ पर थाना है, फिर ऐसा घटना होने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, बताइए। हम तो जो करना था कंप्लेंट करके आए हैं, वकील के पास गए थे, वो बोला ठीक है शाम को हम सुबह तक कोर्ट जा रहे हैं, शाम को आएंगे तो एफआईआर के लिख देंगे। आसानसोल से सौमित्र गांगुली, रिपोर्ट आनंद वार्ता।